ओके सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन थ्री स्टोरीज के लिए एंड ट्रेलर बहुत ही ऑसम है, हमने देखा बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ट्रेलर को लेकर। आप बताइए आप लोग की आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर जो कि 9th ऑफ मार्च को आ रही है। कितने एक्साइटेड हैं आप 9th ऑफ मार्च को एक फिल्म जो है थ्री स्टोरीज वो आ रही है। हम सब एक्साइटेड हैं। आप आए थे ट्रेलर लॉन्च पे जब आपने वैलेंटाइन डे का क्वेश्चन पूछा उसने तो फिल्म में इसने मेरे दोनों ट्रेलर लॉन्च पे यही पूछा था वो मेरे भी आपके वो फुकरे रिटर्न पर ये वैलेंटाइन डे का नहीं पूछा था। वीरे वीरे थ्री और वीरे दोनों पे पूछा। तुम खुद भूल जाते हो, तुमने मुझसे फिल्म फेयर और एचटी पे भी यही पूछा था और फिर तुमने मुझसे थ्री स्टोरी से पूछा। मतलब ये वैलेंटाइन डे के दिन तन्हा होंगे, आ जाइएगा आप दास देव के ट्रेलर लॉन्च पे। ठीक है। इस फिल्म को लेकर हम सब एक्साइटेड हैं बिकॉज ये ऑनसॉम फिल्म है बट इसमें काफ़ी थ्रिल है, वो आप ट्रेलर देख के समझ गए होंगे कि दस मोर देन इट मीट्स दी आई। और पुलकित का रोल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इस पूरी फिल्म में। एक अमीर कैरेक्टर जो है वो पुलकित है जो बाहर से आता है। हाँ मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ but still I become a part of the entire story somehow and I think this is one of those films जिसमें एक भी character ऐसा नहीं है जिससे आप जिसकी journey से आप connect नहीं करेंगे because each character is connected to the other story is connected to the other story so basically वो कम्युनिटी लिविंग वो जो चौल टाइप का जो एरिया है उसमें आपस में कितने रिलेशंस भिड़ रहे हैं और हर चेहरे के पीछे क्या क्या छुपा है, हाउ इट गेट्स अनरैवल्ड बाय द एंड ऑफ द फिल्म। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन आई वुड से ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन साइकी एंड रिलेशनशिप्स। नो 100% एंड इट्स ब्यूटिफुली रिटन, ब्यूटिफुली रिटन एंड व्हाट रोल शी इज प्लेइंग इन इट इज something I think her character is the one that makes you smile by the end of the film when you can come out from the theater definitely काफी different story है ये रिचा जी पुलकित जी तो कैसा रहा experience एक चौल में जाकर आप लोगों ने हमने देखा खुद shoot करने का experience ये सारी चीजें हमने shoot तो set पे किया था trailer launch हमने जरूर community living वाली जगह पे किया था but वैसे ही feeling है जैसे दिल्ली में मोहल्ले type के जो घर होते हैं जिनकी छतें टच होती रहती हैं उसी टाइप की। गली में आओ तो पार्किंग की जगह नहीं है क्योंकि आंटी ने चारपाई लगा रखी है। आप क्रिकेट खेल रहे हो तो बॉल पड़ोसी के वहाँ पे चली गई तो देंगे नहीं वापस। दे दो प्लीज अंकल, दे दो प्लीज, दे दो। नहीं तो रोज करता है ये रोज। सो यही होता है यार कम्युनिटी लिविंग व्हेन पीपल आर सो क्लोज टू ईच अदर एंड दे ऑल लिव टुगेदर इन अ सर्टेन एरिया तो होता है सब में भिड़न भी होती है और सब में प्यार भी होता है एंड दे सपोर्ट ऑल्सो ईच अदर and they also maintain a certain different distance from each other, you know, to maintain your individuality as a family and still be a part of that community. It's a very difficult thing to portray through a film. I think so, and that's been done in this one. हाँ बिल्कुल। ऋचा जी आप बताइए क्या okay फीडबैक क्या मिल रहा है इंडस्ट्री से क्योंकि हमने देखा कि ट्रेलर तो काफी अच्छा सलमान जी ने का कुछ रिस्पांस आया या उन्होंने देखा या कुछ आप बताइए। नहीं नहीं वो फिलहाल नोट गिन रहे हैं। हाँ, टाइगर मैंने कहा था ना दिसंबर के महीने में जितनी टाइगर वाली फिल्में आएंगी बहुत चलेंगी। हम लोग सब नोट गिनने में बिजी थे तो इसलिए इतनी बात हुई नहीं। किधर रखे अपना पैसा इतना सारा? ओह वाओ, आई डोंट नो, ओह फक, जूते में फंस गया। आप बताइए क्या फीडबैक क्या मिल रहा इंडस्ट्री से? फीडबैक तो ये है कि ट्रेलर भी लोगों को अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें एक मिस्ट्री का एलिमेंट है और एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि कुछ कहानियां हैं और जिस तरह से इन्होंने डिजिटल प्रमोशन के लिए जो अलग अलग जो हर कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेलर्स बनाए हैं दैट्स आल्सो वेरी नाइस। और न्यूकमर भी हैं इस फिल्म में दो yes. तो जब इन्हें सब न्यूकमर भी आते हैं तो कैसे सब लेकर आप लोग चलते हैं और क्या हेल्प करते हैं आपकी तरफ से, क्या आप अपना इनपुट आउटपुट देते हैं? इनको इतना अच्छा काम आता है दोनों को कि कुछ हेल्प नहीं चाहिए इनको। यू नो आई थिंक ऑन द सेट द बिगेस्ट हेल्प इज द डायरेक्टर,
उससे ज़्यादा हेल्प आई डोंट थिंक सो कोई भी होती है इफ़ यू जस्ट सरेंडर एंड दैट्स व्हाट बोथ ऑफ देम हैव आल्सो डन एंड दे आर ब्यूटीफुल इन द फिल्म वेरी एंडियरिंग बहुत अच्छे हैं दोनों फिल्म में सुपर दे मतलब लगेगा ही नहीं इनकी पहली फिल्म में हाँ वो तो मुझे कभी लगा ही नहीं अपनी देख के मुझे लगता है ना पहली फिल्म थी ओके हमने वैलेंटाइन डे की बात कर ली और आज जो है वो रोज डे है हग डे मतलब इनको लूज मोशंस थे नहीं वो वाला नहीं अच्छा आप ऐसे फील कौन सा वाला अच्छा रोमांटिक वाली फीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो अरे आप बताइए कि वो ऐसा कौन सा अच्छे हग से ज्यादा रोमांटिक क्या एक्टर है जिससे आप हग करना चाहेंगे इच्छा होती है ये है ये है मेरी इच्छा ये है इनकी इच्छा ये है अच्छा वी आर वेरी हगेबल मैं इनको गिफ्ट में भी हागीज देती हूँ yes. क्या बात है आप बताइए मैं पहन के आऊँ एक सेकंड थोड़ा आप बताइए अभी तो बताया मतलब इनके अलावा ये तो ब्यूटीफुल है ही इनके अलावा और ऐसे किसी को हग करने की इच्छा होती है इनके अलावा आई थिंक आई वुड लव टू हग या एक एक मैं बताऊंगा हाँ जी बिल्कुल मुझे देखिए बहुत एक्साइटेड है आपको ही बताना मुझे नहीं व्हेन व्हेन आई वर्कड विद जोया ना अभी फॉर दिस For this made in heaven, yeah, Zoya Akhtar. So when I worked with her, so I did like one episode for her, and it was a beautiful experience to work with her. तो मेरा सही में सपना पूरा हो गया यार. I got to hug her, and I have that picture also with me. So that is one hug I will always remember. Like I've always admired her work, yeah. And when you admire somebody's work, and you get to, you know, you get that warmth. It's not about the hug. That warmth and love and respect from that person, na, it's unmatchable. Wow, great. अब बताइए किस क्या किसको hug करना चाहूँगी? यार मैं तो बिल्कुल hippie हूँ, तो मैं तो free hug society में believe करती हूँ. बस अगर आप लीचड़ों को दूर रखें, तो जो भी आता है, मैं उसको free hug करने के लिए तैयार हूँ. Because I think hugs can solve a lot of the world. Sorry, Varun Sharma, no hug for you. He got more than a hug, yeah. क्योंकि आपकी last film काफी अच्छी hit और appreciate की गई थी, तो इन सारी चीजों को लेकर कुछ pressure होता है यार last film में audience ने काफी appreciate किया था, इसलिए इस film पर responsibility pressure ज़्यादा बढ़ जाता है as an actor होता है कभी. You know what? जो आपको फ्राइडे को सक्सेस मिलता है या फेलियर मिलता है या वॉट एवर, आप उसका बैगेज लेके दूसरी फिल्म पे नहीं रह सकते. आपका सक्सेस आपकी ईगो लगेगा अगर आप वो लेके जाएंगे, आपका फेलियर आपका दिल तोड़ देगा वो. हाँ तो वो आप कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगे बिल्कुल भी. सो दैट विल ऑल्सो नॉट वर्क फॉर यू. यू शुड ऑलवेज गो फ्रेश टू अ न्यू सेट. देयर इज अ न्यू फैमिली, न्यू सेट, न्यू बंच ऑफ पीपल यू मीट. दो हम दोनों फंसे हुए एक दूसरे के साथ, तीसरी फिल्म हो गई है, पक चुके हैं हम, बट वी स्टिल ट्राई टू मीट विद लाइक न्यू एनर्जीज एज कैरेक्टर्स. सो यू नो इट देन इट वर्क्स आउट. आप कभी भी एक फ्राइडे का बर्डन लेके नहीं जा सकते, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा. यू हैव टू लीव इट सैटरडे से नई लाइफ. जी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो है, कैसे पक चुके हैं आप लोग. आप बताइए ऋचा जी, कुछ प्रेशर होता है आप या आप नहीं? मैं तो आप इन्होंने आपको एक बहुत अच्छा बेहतरीन मैच्योर आंसर दिया. मैं इनसे सहमत हूँ और मैं आपको इसका दूसरा साइड बताती हूँ. लॉजिकली फुकरे हुई थी 2450 स्क्रीन्स में रिलीज. उसका बिजनेस उसके हिसाब से था. हमारी जो फिल्म है ये एक एक छोटी और प्यारी और मॉडेस्ट फिल्म है, थ्री स्टोरीज, और ये 300 स्क्रीन्स में रिलीज हो रही है. तो हम ये जब इवन प्रेस जब ये नंबर्स कंपेयर करते हैं, सो दिस इज लाइक ऑलमोस्ट 1/7 या 1/7 1/8 यार, एग्जैक्टली 1/8 या व्हाटएवर योर मैथ्स इज 1/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्क्रीन्स दैट फुकरे हैड थ्री स्टोरीज विल हैव. तो हम कैसे कंपेयर करें? मतलब दोनों ही एवरी फिल्म इज लाइक योर बेबी, आपके बच्चे की तरह होती है. तो आप कभी ये नहीं सोचते कि ये वाला बच्चा ज़्यादा सुंदर है या ये वाला बच्चे में ज़्यादा दम है. और ये ज़रूरी है कि जब फिल्म इंडस्ट्री वाले जो क्रिटिक्स, जो बिजनेस ऑफ बॉलीवुड और क्या सॉरी इस तरह चैनल जो बिजनेस वाले लोग होते हैं, जो नंबर्स ट्रेड पंडित्स, दे शुड ऑल्सो रिमेंबर कि एक फिल्म जो 200 जैसे मसान 200-300 स्क्रीन में रिलीज हुई थी, किसी को as in a lot of trade analysts they now put across ki itne mein bani thi itna banaya hai so it has already recovered the cost but you see maybe 3 or 4 out of 10 that helps a lot yeah if people know ki acha
क्योंकि बिजनेस तो वही होता है ना, आपने इतना पैसा लगाया और इतना उसमें से निकला, दैट इज दी ओनली बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म. फिल्म कितनी अच्छी है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दैट बिजनेस एस्पेक्ट कम्स फ्रॉम कितना लगा है, वो रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. फुकरे में अगर आपने एक्स इंटू थ्री अमाउंट लगाया है और थ्री स्टोरीज में एक्स लगाया है, तो दोनों का नापतोल सेम नहीं हो सकता. बिल्कुल बिल्कुल जी. तो हम ऐसा माने कि ये जो साल है काफी अच्छा है आप लोगों के लिए. ये तो हम हर साल सोचते हैं ऐसा. नहीं नहीं देखिए आप फुकरे रिटर्न आई, लोगों ने अप्रिसिएट किया, हिट है और अब ये अनाउंसमेंट हुआ है. आपकी तो और भी एक दासदेव आ रही है, पता नहीं क्या दासदेव होने वाला है. देव दास से दासदेव बना लिया गया है जैसा मुझे बताया गया. प्लीज आप गुस्सा मत होइए. नहीं नहीं क्यों गुस्सा हो. तो ये साल काफी अच्छा है आप लोगों के लिए, हम ऐसा माने. देखिए हम तो आउटसाइडर्स हैं, हम हर साल की शुरुआत ऐसे ही करते हैं कि हमने अपने जो मेहनत से एक एक कदम रख रख के करियर बनाया है और हमारा हर साल अच्छा हो, हम ये तो एक दूसरे के लिए भी यही उम्मीद करते हैं. डिट्टो. ये सच है बिकॉज अगर आप सोचेंगे साल मेरा बुरा जाने वाला तो कैसे आप मेहनत करेंगे, आप में जोश ही नहीं आएगा. नहीं बट एक्साइटमेंट तो है, यू नो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एक वो तो होता है कि हर साल के पहले या दूसरे महीने में आपकी एक या दो फिल्म्स निकल रही हैं एंड यू नो पीपल आर गिविंग गुड रिस्पांस टू योर ट्रेलर्स, सो दैट हेल्प्स अ लॉट. दैट गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, मोर कॉन्फिडेंस टू यू नो गो एंड शोकेस योरसेल्फ विद अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंस. हर चेहरे हाँ. के पीछे एक कहानी होती है. हर चेहरे पर इमोशंस होते हैं और उनमें बसी अलग अलग कहानियाँ. सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? मार्च को. मार्च को तो टिकट खरीद कर अपने नजदीकी सिनेमा घर जरूर आए. इनकी बात जरूर मानिए. क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है. क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल है. तुम सिर्फ सुंदर लड़कियों की बात मानते हो. दिल से बोला उसने. दिल की खूबसूरत है. सपोर्ट करने के लिए थैंक यू. 9th of March. 9th of March, 3 stories at a theater near you. Thank you so much and good luck. Thank you. Good luck for आपको happy belated birthday. Valentine's Day की advance greetings. Yes. Happy Valentine's Day. Thank you. तेरा हो गया कि तेरे बच्चे एक दो? एक ही बच्चा नहीं, I think ये नहीं.